नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के दो भाग हैं। प्रथम भाग में 158 धाराएं, द्वितीय भाग में 51 आदेश हैं। प्रथम भाग सैद्धांतिक होते हैं जबकि द्वितीय भाग प्रक्रियात्मक होते हैं। प्रथम भाग जो सिद्धांत है उसको पालने के लिए, द्वितीय भाग जो प्रोसीजरल है उसके माध्यम से प्रथम भाग सिद्धांत को पाया जा सकता है। सिद्धांत को संसद के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है जबकि जो द्वितीय भाग आदेश हैं उनको उच्च न्यायालय के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, पर उतना ही जितना वह प्रथम भाग सिद्धांत का विरोध न करे। प्रथम भाग के सिद्धांत को पाने के लिए जो आदेश हैं उस आदेश के माध्यम से प्रथम भाग सिद्धांत को पाया जा सकता है। आदेश में परिवर्तन या परिवर्तन केवल उच्च न्यायालय कर सकता है। जब आदेश जहाँ तक मुख होता है वहाँ पर न्यायालय अपनी विवेकी इस्तेमाल करके उस आदेश का पालन करवा सकता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।